डोयोपडीएस सस्पेंशन जो कि बनाया जाता है ज्वेंटस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ओफ्लोक्सेसिन इसके अंदर 100 mg रहता है और मेट्रानिडोजोल इसके अंदर 200 mg रहता है। ये 78 रुपीज़ का ये पूरा सिरप रहता है जो कि 60 ml का एक ओरल सिरप है जो कि यूज़ होता है बहुत सारे केसेस में, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, डायरिया और डिसेंट्री में इसको यूज़ किया जाता है और इसको बच्चों को दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सटीट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से या कोई भी टैबलेट लेने से या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। डोयोपडीएस सस्पेंशन जो कि बनाया जाता है ज्वेंटस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ओफ्लोक्सेसिन 100 mg एंड 5 ml रहता है और मेट्रानिडाजोल 200 mg एंड 5 ml रहता है। 78 रुपीज़ का 60 ml का ये सिरप रहता है जो कि यूज़ होता है बहुत सारे केसेस पे, जैसे कि ये इफेक्टिवली ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन बच्चों के अंदर, और ये ट्रीटमेंट करता है टीथ में, लंग्स में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में और यूरिनरी ट्रैक में और जेंटल ट्रैक में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब इसको यूज़ किया जाता है। ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन, डायरिया और डिसेंट्री का भी ट्रीटमेंट करता है। अगर आप इसको ज़्यादा पिला रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं पिला रहे हो, कंटिन्यूसली पिला रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, भूख लगना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकते हैं बच्चे को अगर आप ज़्यादा पिला रहे हो। तो जब भी इसको पिलाए तो डॉक्टर की सलाह से पिलाए, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना पिलाए और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो डीओपीडीएस सस्पेंशन काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर एंटीबायोटिक डाला गया ओफ्लोक्सेसिन और मेट्रानिडाजोल जो कि क्या करता है कि ये उसके बैक्टीरिया के डीएनए के इन्फेक्शन को कम करता है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता, स्प्रेडेबिलिटी होती है और उसका ट्रीटमेंट वहीं पे हो जाता है। तो ऐसे काम करती है टैबलेट ये सिरप। तो इस सिरप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।